太。क्यों बे आदमी हो या आफत सीधा ऊपर आके गिरते हो इंसान हो या तूफान तो सोते सोते खड़े हो जाते हो मैं सोया था अरे मेरा कुत्ता अरे कुत्ता मुझे कुत्ता बोलता है अरे कुकू तेरे मुंह में ये रिंग कैसा हाँ लगता आज भी खेलते खेलते किसी की रिंग उठा कर ले आया अरे आओ बच्चों ये हमारी रिंग है अंकल क्या ये रिंग तुम्हारी है जी जब हम खेल रहे थे तब ये कुत्ता आकर रिंग उठाकर भागने लगा ए कुकू बड़ा शरारती होगा कभी कभी ऐसी शरारती भी कर लेता मेरा कुकू इसका नाम कुकू है प्यारी सी कुकू कुत्ता बिस्किट खाता है अंकल हाँ बेटा पर ये तो खास कुत्तों को खिलाने के बिस्किट्स हैं तुम खिला भी उसे ये काटेगा तो नहीं अरे बिल्कुल नहीं मेरी कुकू तो बिल्कुल बच्चों जैसी है और उसे बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है ना कुकू आजा तुम उसे ये बिस्किट्स खिलाओ इससे तुम्हारी इसके साथ की दोस्ती भी बहुत मजबूत हो जाएगी पीटर ये क्या बोले मना कर रहा है तू रोज का नाटक हो गया तुम्हारा हा? जब भी तुम कुकू के लिए बाहर जाते हो कुकू तुमसे पहले घर आ जाती है और तुम रोज लेट इस तरह से नए नए हुलिये बनाकर क्या हो क्या गया तुम्हें अरे सर ये बच्चे क्या अरे 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 इस भेस में तो बिल्कुल भूत लग रहे हो जाओ अंदर जाओ मेरी कुकू तुम्हें देखेगी तो बेचारी डर जाएगी जाओ बेचारी कुकू क्या हुआ आंटी हमें कुकू के साथ खेलना अच्छा लगता है क्या हम उसके साथ खेलने कल भी आ सकते हैं कल वैसे तो आ सकते थे लेकिन हम लोग आज ही बाहर गांव जा रहे हैं अच्छा बच्चों आप लोग खेलो इस कुकू के साथ मगर शोर मत मचाना चलो सुनीता हम अपने जाने की तैयारी कर लें वैसे तैयारी तो सब हो चुकी है लेकिन मुझे सिर्फ मेरी कुकू की चिंता हो रही है बेचारी अकेले रह जाएगी तुम फिक्र मत करो कुकू की मैंने पीटर और रोजी को अच्छी तरह से समझा लिया है इस कुकू का ख्याल अच्छी तरह से रखे हाँ चलो लेट्स गो डोंट वरी लेट्स गो आ जाओ बच्चों खेलो इससे आ जाओ पकड़ के चलो शोर मत मचाना क्या हुआ होगा
कीमती पेंटिंग की चोरी हो गई। हैरत है, हमारी इतनी कड़ी निगरानी की आर पार कुछ लोग एक बेहद कीमती पेंटिंग उठाकर फरार हो गए, वो भी कितनी आसानी से। गार्ड्स को बेहोशी की गैस से बेहोश कर दिया, ऊंची कंपाउंड वाल फांदने में बांस का उपयोग किया, और लॉक तोड़ने के लिए गैस फ्लेम का इस्तेमाल किया होगा। बस कारनामा सफल हो गया पेंटिंग की चोरी का। सर पेंटिंग 10 लाख की होगी। हाँ, इस चोरी ने पुलिस डिपार्टमेंट की कीमत कौड़ी की करके रख दी, तुम्हारी वर्दी के वॉशिंग अलाउंस से भी कम। हाँ सर, वर्दी पे दाग लग जाए तो धोना तो पड़ेगा ही ना, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, जब तक ये वर्दी धुलकर इस्त्री होती है तब तक हम गुनेगार को पकड़ लेंगे। तुम पकड़ोगे? बेशक, हमारे दम से ही कानून का दम है। सर ये गणपत जब गुनेगार को पकड़ने की ठान लेता है तब गुनेगार का पकड़ा जाना बच्चों के खेल जैसा ही तो होता है। गणपत खुद की बढ़ाई करने में तुमसे बड़ा और कोई नहीं होगा। अफसोस सिर्फ इतना है कि तुम बोलते बहुत हो, कर पाते कुछ भी नहीं। अगर कुछ करने की तुम में अकल है तो ये देखो। ये क्या है सर? कुत्ते के खाने की बिस्किट। ये वो चीज है जो आर्ट गैलरी के कंपाउंड से पाई गई है। लेकिन वहां पे कुत्ते की बिस्कुट कहां से आ गई? यही तो हमें ढूंढा है। शहर के तमाम क्रिमिनल से पूछताछ की जा चुकी है लेकिन सब बेकार है। आखिर किस पर शक किया जाए? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि क्या कोई कुत्ता वहां पर था, और अगर था तो क्यों था? सवाल तो सही है, कुत्ता वहां क्यों था? यह तो इंस्पेक्टर अंकल को भी नहीं मालूम। और गणपत अंकल, घुमघरू अब बच्चों का ही खेल लगता है। हम क्या खेलते खेलते चोर को पकड़ सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं पकड़ सकते? हम रोज ही तो चोर पुलिस का खेल खेलते हैं और हम इस चोर पुलिस के खेल में माहिर हैं। मेरा कंप्यूटर कहता है ये केस अब बड़ा एडवेंचर होगा। यस, कम ऑन, लेट्स मूव। अरे ये तो वही बिस्किट है जो हमने इंस्पेक्टर अंकल के हाथ में देखा था। अरे ये तो कुत्ते के खाने का बिस्किट है। याद है हमने ऐसा ही बिस्किट मेहता अंकल के कुत्ते को खिलाया था। हाँ, ना तो ऐसे ही बिस्किट है। वो देखो गणपत अंकल चले आ रहे हैं। शैतान बच्चों, क्या हो रहा है? ए ए ए ए, हाथ हाथ आगे ले, क्या छुपा के रखा है? हाथ हाथ दिखा, हाथ दिखा, हाथ दिखा। अच्छा आपके हाथ में है हाथ? हाथ इसके हाथ में है। पकड़ी गई। बोल हाथ को, हाथ को, ये बिस्कुट कहाँ से मिला? कहाँ से मिला? अरे मुझे डर कर भाग गए और ये बिस्कुट मुझे खाने के लिए छोड़ गए। ऐसा ही बिस्कुट हमारे इंस्पेक्टर साहब के पास था, उन्हें जाके देता हूँ। दोनों बिस्किट तो एक जैसी हैं। और ये बिस्कुट उन बच्चों के पास मिला है, उन्हें गिरफ्तार कर लीजिए सर। जैसे मैं उनके पीछे भागा वो भाग गए, उन्हें गिरफ्तार कर लीजिए सर। उन्होंने ही वो पेंटिंग चुराई है, उन्हें गिरफ्तार कर लीजिए सर। आपको पता नहीं सर, वो बच्चे मुझे बहुत तंग करते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लीजिए सर। मैं उन्हें गिरफ्तार कर लूं? इससे पहले बेवकूफी ने तुम्हें गिरफ्तार कर रखा है गणपत। मतलब? वो छोटे बच्चे इतनी बड़ी चोरी नहीं कर सकते। क्या बात कर रहे हैं सर, आपको पता नहीं वो बच्चे इससे भी बड़ी चोरी कर सकते हैं। आपको मालूम नहीं सर, वो बच्चे मुझे बहुत तंग करते हैं। सुबह सुबह मैं दरिया किनारे वर्दिश करता हूँ ना, तो कुत्ते के पीछे ऐसे भागते हैं कि कुत्ता मेरे नीचे से निकलता है और बच्चे मेरे ऊपर से गुजरते हैं। उन्हें गिरफ्तार कीजिए सर। तुमने अभी किसी कुत्ते की बात की ना गणपत? अरे सर क्या कुत्ता था ऐसा मेरे नीचे से निकल गया कि पूछिए मत। ऐसा कभी सर्कस में भी नहीं होता सर। बच्चों का कुत्ते के पीछे भागना और फिर आज उनके हाथ से
ये बिस्किट का मिलना ऐसा ही एक बिस्किट हमें आर्ट गैलरी के बाहर भी मिला है। यहां से वो पेंटिंग की चोरी हुई। हो सकता है ये सिर्फ एक इत्तफाकी हो या कुछ और भी। गणपत तुम एक काम करो, उन बच्चों को गिरफ्तार कर दो। नहीं, उन बच्चों से ये पूछो कि ये बिस्कुट उन्हें कहां से मिले। समझे? समझ गया सर। अब मुझे वर्किंग आवर्स में भी ओवर टाइम करना पड़ेगा। हे भगवान, तूने शैतान तो पैदा किया और ऊपर से बच्चे भी पैदा किए। क्या बोले तुम? कुछ नहीं, मैं उन बच्चों की तारीफ कर रहा था। मैं मस्का नहीं लगा रहा हूँ। आजकल मस्का मिलता कहाँ है? तो मिलता कहाँ है? मुझे एक बात बताओ। बताओगे ना? वो बिस्कुट तुम्हें कहाँ से मिला था? मेकलू बताओ, कौन सा बिस्किट? कैसा बिस्किट? अरे किस बिस्किट की बात हो रही है? अरे वो याद करो, कहाँ मिला था उस दिन ने? वो बिस्कुट याद वो क्या है अंकल? क्या है? आइसक्रीम खाए बगैर हमें कुछ भी याद नहीं आता। आइसक्रीम? आप हमें आइसक्रीम खिलाएंगे तो हम आपको वो दिन वाला बिस्किट हमें कहाँ मिला बता सकते हैं? बता ना, हम तो नहीं बताएंगे। अच्छा नहीं नहीं नहीं, ठीक है, मैं तुम लोगों को आइसक्रीम खिलाता हूँ। चलो उतरो, नीचे उतरो। चलो सामने जाते, उतर जा। खा लिया ना आइसक्रीम? खुश हो गए ना? अब तो बताओ बच्चों, वो बिस्किट तुम्हें कहाँ से मिला? अंकल, एक आइसक्रीम से काम नहीं चलेगा। मैं तो ये भी भूल गई कि बिस्किट हमें कहाँ से मिला। अच्छा तू भूल गई बिस्कुट कहाँ से मिला? शैतान की नानी। ठीक है, मैं तुम लोगों को और एक एक आइसक्रीम खिलाता हूँ। नहीं, लेकिन पहले तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि वो बिस्कुट तुम्हें कहाँ से मिला। अंकल बताओ। हाँ बता। बताओ। हाँ बता। बताओ। हाँ बोले को क्या है? अरे भाग ले, मेरा पैसा लेके। तूने? नहीं, मैंने नहीं फेंका। तूने? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं फेंका। तूने? मैंने नहीं फेंका। अच्छा तूने भी नहीं है? तूने करिंगड़ फेंका ना? मैंने नहीं फेंका, अपने आप गिर गया। अपने आप से गिर गया? आम के पेड़ पर से कलिंगड़ गिर रहा है? अच्छा आजा, मैं अभी तेरे को गिराता हूँ। अब तुम आ जा मोटे आ गया। ए तुमिया, अच्छा चलो जिम में जाके बैठो। चलो मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को कलिंगड़ मार के। चलो अंदर बैठ, रोने का नहीं, बैठ अंदर। अभी दिखाता हूँ मैं। चलो पुलिस स्टेशन में तो चलो, रोने का नहीं। चलो बैठो। आम के पेड़ पर से कलिंगड़ क्या? अभी बताता हूँ मैं। चुप।
देखता हूँ मैं तो सुबह तक कुत्ते से बिल्ली बन जाएगा। अब देखता हूं कौन बचाता है उसे। अरे भागो, अबे देख क्या रहे हो, चलो भागो भागो। वो लोग कुकू को क्यों मार रहे हैं? कैसे गंदे लोग हैं, लगता है बेचारे कुकू को मार ही डालेंगे। मुझे इतना था कुकू को कितने प्यार करते थे। हाँ, उन्हें जब पता चलेगा कि उसके साथ ऐसा बिहेवियर करते हैं तो उन्हें बड़ा दुख होगा। हाउ मीन दैट, हमारी कुकू भूखी रहेगी। तू फिकर मत कर गुड़िया, हम रात को आके कुकू को खाना खिला देंगे। अभी तुम चलो चलो। तक डरा नहीं, हमेशा खतरों से खेलता है। मगर पीटर, कहीं पकड़े गए तो? तुम फिकर ना करो, ऐसे हाथ साफ करूंगा किसी को शक तक नहीं हो। okay? मगर सुनो, एक मिनट। ये लो, तुम्हें शायद इसकी जरूरत पड़ सकती है।